ऑफ में रेप पीड़ित का परिवार। गांव नहीं जाएंगे, नहीं दे लोग मार डालेंगे। अतुल सिंह तो ऐसे गया है, अतुल सिंह ऐसे गया तो झूठ के आएगा, हमको इन लोगों से खतरा में मार डालेगा। दबंग एमएलए कब होगा गिरफ्तार? खादी वाला खलनायक। खादी वाला खलनायक, यूपी का एक दबंग एमएलए, वो एमएलए जिस पर बेहद संगीन आरोप है। आरोप है कि उस एमएलए की वजह से एक परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा। आरोप है कि एमएलए के गुंडों ने उस परिवार की मुखिया की जिंदगी छीन ली और अब उस परिवार का एक एक पल दहशत के साए में बीत रहा है। लेकिन उस दबंग एमएलए पर कानून का शिकंजा कसने के बजाय तफ्तीश का तमाशा कर रही है यूपी पुलिस। मार डाला, अरे हम लोग तो ऐसे हो गए दीदी, हम लोग किसी भी लायक के नहीं रह गए, इन लोगों ने पढ़ने लिखने नहीं दिया। इंसाफ के लिए फूट फूट कर रो रही है रेप पीड़ित लड़की। उनको जिंदा नहीं रखा, अगर थोड़ा तो सांस रख देते, हम लोग सेवा कर लेते, घर में पड़े रहते। अरे अपने पापा का मुंह तो देखते, हमारे पापा तो चले गए। एसआईटी के नाम पर तफ्तीश का तमाशा कर रही है यूपी पुलिस। सरकार उनको बचा रही है, उनको अरेस्ट नहीं करने दे रही और बैठाए अपने पास। हमको डर है इन लोग मार डालेंगे, जिंदा रहेंगे तो जैसे अरेस्ट किया जाए, नहीं तो कोशिश हो इनको फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित लड़की के नार्को टेस्ट की मांग कर रही है दबंग एमएलए की पत्नी। हम चाहते हैं आप हमारे पति का नार्को टेस्ट करा लीजिए, उस का नार्को टेस्ट करा लीजिए, हमें उस लड़की का करा लीजिए, हमें उस लड़की से पूरी सिंपैथी है। और तहकीकात के लिए गांव में पहुंची यूपी पुलिस को घेर कर हंगामा कर रहे हैं बीजेपी एमएलए के समर्थक। ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव की हैं। तस्वीरें उस समय की हैं जब संगीन आरोपों से घिरे बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ तफ्तीश के लिए उसके गांव पहुंची थी यूपी पुलिस की स्पेशल टीम। तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही दबंग एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन ये जो आरोप विधायक जी के ऊपर लग रहे हैं निराधार है, बिल्कुल इसमें कोई सत्यता नहीं, कुछ नहीं। एमएलए साहब खुद तो नजर नहीं आए, लेकिन उनके समर्थकों ने जरूर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। दबंग एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के खास समर्थक आसपास के इलाके से वहां जुटे थे। वो लोग पुलिस तफ्तीश पूरी होने से पहले ही अपने नेता को बेगुनाही का सर्टिफिकेट देने पर आमादा थे। जो मारपीट का तो हमें मालूम नहीं साहब, लेकिन ये जो आरोप विधायक जी के ऊपर लग रहे हैं निराधार है, बिल्कुल इसमें कोई सत्यता नहीं, कुछ नहीं। गांव में है और भैया ऐसा काम नहीं हो सकता भैया के विषय में। अच्छा, हाँ हम तब झूठ लग रहा है, सारा सारा झूठ लग रहा है भैया पे, आरोप झूठ लगाया जा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हमारे भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे भैया सब लोगों को पसंद है, ऐसा भैया नहीं है, कुछ नहीं है, सब झूठ आप लोग लग रहा है। दबंग एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक उसे मसीहा साबित करने पर तुले हैं, लेकिन सत्य के नशे में चूर उस बीजेपी विधायक का असली चेहरा बेहद डरावना है। वो डरावना चेहरा देखा है उस लड़की ने जो पिछले 10 महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। सरकार उनको बचा रही है, उनको अरेस्ट नहीं करने दे रही और बैठाए अपने पास। वो हंस हंस के बोलते कहते ये सब नाली के कीड़े हैं, इनको सबको ऐसे ही मारते हैं। इस लड़की को यूपी पुलिस की लापरवाही ने बेबस और लाचार बना दिया है। इस लड़की को दबंग नेताओं के सामने अपने फर्ज को गिरवी रखने वाली पुलिस ने बदहवास बना दिया है।
तरह से अरेस्ट किया जाए, नहीं तो कोशिश हो इनको फांसी की सजा दी जाए। ये वही लड़की है जो 10 महीने से पुलिस और थाने के चक्कर लगा रही है। ये लड़की चीख चीख कर आरोप लगा रही है कि इसके साथ एक विधायक और उसके 5 साथियों ने रेप किया है, लेकिन किसी ने इसकी फरियाद नहीं सुनी। लड़की का आरोप है कि दबंग विधायक के गुंडों ने इसके पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। दोनों लोग अरुण सिंह प्रमोद मिश्रा ने आके ऊपर से हमारे दरवाजा खोला और पापा को घसीटते हुए ले गए, नीम के पेड़ में बांधा और मारा, पानी डाल डाल के उनको जिंदा नहीं रखा। अगर थोड़ा तो सांस रख देते, हम लोग सेवा कर लेते, घर में पड़े रहते। अरे अपने पापा का मुंह तो देखते, हमारे पापा तो चले गए। कुछ दिन पहले तक इस रेप पीड़ित लड़की की इंसाफ की लड़ाई इसके पिता लड़ रहे थे। एक तरफ वो अपनी बेटी के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दबंग एमएलए की तरफ से लड़की के परिवार को लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही थी। हम आपको ऐसे ही धमकी भरे एक फोन की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इस रिकॉर्डिंग के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़ित लड़की के चाचा को धमकी देने के लिए फोन किया था। नमस्ते। हाँ बताओ, क्या करवा रहे नेताजी? हाँ भैया, गांव में क्या करवा रहे थे? ये तो ठीक काम नहीं है, मरवाना पिटवाना बच्चों को, पप्पू को, सबको तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो हमें वो दे रहे हो? बेटा दे नहीं रहे, आपकी सेवा की इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो हमारी सेवा की तो तुमको हमारी सेवा में रहना चाहिए, तुम हमारे खिलाफ एप्लीकेशन क्यों देते हो? मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा एक बात बता, तू मेरा छोटा भाई है? हाँ हूँ। छोटा भाई है तो छोटे भाई बड़े भाई खिलाफ पर्चा छपवाना चाहिए? मैंने नहीं छपवाया, मैं कह रहा हूँ मैं किसी तरीके से किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। सुनो, तुम नहीं हो तो तुम हमारे पास आओ जी। ये जो लोग खेल रहे हैं ना जी, इनको सबको मना करो। हाँ हमारी सुन लो, आपके नंगे भूखे हमारी नहीं करोगे? नहीं, अब भी करता हूँ। मैंने कह रहा हूँ नंगे भूखे रह के मैंने आपकी सेवा की, जहाँ आपने खड़ा किया मैं वहाँ खड़ा हुआ। अच्छा सुनो, जैसे लोग चाहते हैं कि ये लोग मर जाए जी, मतलब लड़ाई में सबका नुकसान होता है, हमारा तुम्हारा सबका। तुम हमारे छोटे भाई हो, तुम आगे बढ़ो, हमने यही चीज तुमसे कही थी ना जी। और आप हमारे पास आइए और घर में सब सदस्यों से कह दीजिए जी, जो हुआ वो खत्म, हम तुम मिलके एक नया अध्याय शुरू करते हैं। नहीं तो इनको अतुल क्या जरूरत थी? मैंने अतुल से भी ढंग से कल से बात की थी, हमने कहा भैया तुमको क्या जरूरत थी मारने पीटने की जाने की? अतुल तुम्हारे ज्यादा सगे हैं कि कोई दूसरा तुम्हारा ज्यादा सगा है? अतुल सगे हैं। तो अतुल सगे हैं तो बात खत्म हो गई। अतुल अपने काम की मेरे सामने गलती मांगेंगे, महेश अपने काम की हमारे सामने गलती मांगेंगे, और हमारे तुम्हारे परिवार एक होके रहेंगे, बस बात खत्म हो गई। तो सबको रोको, सबको मना करो। ठीक है। इस कथित फोन रिकॉर्डिंग में बीजेपी एमएलए किसी पोस्टर का भी जिक्र कर रहे हैं। एमएलए साहब आरोप लगा रहे हैं कि वो पोस्टर पीड़ित लड़की के परिवार ने छपवाया था, जबकि पीड़ित लड़की के चाचा सफाई दे रहे हैं कि वो पोस्टर उन्हें व्हाट्सएप के जरिए मिला था। यहां हम आपको बता दें कि जिस पोस्टर की बातचीत हो रही है, उस पोस्टर में बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को रावण के रूप में दिखाया गया था। एमएलए का आरोप था कि रावण वाले पोस्टर पीड़िता के घर वालों ने छपवाकर सोशल मीडिया पर डाले थे। इतना ही नहीं, रावण वाले पोस्टर की वजह से विधायक ने पिछले साल पीड़िता के चाचा पर मानहानि का केस कर दिया था। पीड़ित लड़की के चाचा का दावा है कि बीजेपी के दबंग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बार नहीं कई बार उन्हें फोन किया था। हर बार वो रेप की शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालता था कि इन लोगों के बराबर मेरे पास फोन आ रहे थे और घर पे मेरे जा रहे थे, धमकी दे रहे थे कि विधायक जी के ऊपर जो आपने 156(3) की FIR डाली है उसको वापस ले लो, नहीं आप लोगों का हित नहीं होगा, अहित ही होगा, यहाँ पे आप लोग रह नहीं पाओगे, आप दोनों भाइयों में से दोनों को ही मार दिया जाएगा, एक का परिणाम है आपके साथ सामने, जो एक को उन्होंने मरवा दिया, एक मैं बचा हूँ, हमें कब मरवा दें इसकी कोई गारंटी नहीं। पीड़ित लड़की का परिवार आज भले ही बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गंभीर आरोप लगा रहा है,
इस परिवार का दावा है कि दबंग विधायक के खौफ की वजह से इन लोगों को छिप छिप कर जीना पड़ रहा है। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। दोनों परिवार एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों परिवारों के घर भी पास पास हैं और कुछ साल पहले तक दोनों परिवारों के बीच काफी अच्छे ताल्लुकात थे। पहले भी दोस्ती थी हमारी विधायक जी से, अब भी दोस्ती थी। 4-6 की घटना जब मेरे को पता चली है तब से विधायक जी से मैंने बातचीत। पहले कैसे लग गया? पहले बहुत पहले की बात है, उस पर भी जो है हमको लगता है कि 2000 से कोई FIR नहीं है। पहले विधायक जी के ही साथ हम लोग रहते थे, चूंकि फैमिली हमारी थी आपस में, विधायक जी के ही साथ हम लोग रहते थे, एक घर के हैं, सब कुछ था। तो वो हर आदमी का अपना कमाने खाने का जरिया होता है, चूंकि विधायक जी अपने पास रखते थे, हम लोगों ने अपना कमाने खाने का जरिया अलग बना लिया था, रंजिश मुकदमे लगवा दिया करते थे, तो हम लोग अपना वहाँ चले गए थे दिल्ली, मुकदमे लगने बंद हो गए। पीड़ित लड़की के चाचा का आरोप है कि राजनीति में कद और ताकत पढ़ने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने इनके परिवार को इतना परेशान किया कि कई लोगों को गांव तक छोड़ना पड़ा। लेकिन इनके भाई अपनी बुजुर्ग माँ और बीवी बच्चों के साथ गांव में ही रहते थे। लेकिन तब इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दबंग विधायक का कहर इनके परिवार की सारी खुशियां छीन लेगा। पीड़ित परिवार के दिल में दबंग MLA के नाम की इतनी दहशत है कि अब वो लोग अपने गांव में लौटना ही नहीं चाहते। इस परिवार के खौफ की कहानी करीब साल भर पहले शुरू हुई थी। कहानी में कई और किरदार हैं। यूपी के एक दबंग MLA पर लगे संगीन आरोपों ने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ के उन वादों पर है जो उन्होंने यूपी की महिलाओं के साथ किए थे। सवाल उस पुलिस पर है जो सीएम के वादों की हिफाजत करने में नाकाम रही। योगी की राज में आखिर 10 महीनों से इंसाफ के लिए दर दर क्यों भटक रही है एक लड़की। उन्नाव की ये लड़की अपने साथ हुई हैवानियत की जो कहानी बयान कर रही है उसमें बीजेपी MLA के अलावा कई और अहम किरदार हैं। उन किरदारों में शामिल हैं शशि सिंह और इनका बेटा शुभम। शशि सिंह दरअसल वो महिला हैं जिन पर पीड़ित लड़की ने विधायक के घर ले जाने का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि जून 2017 में रात 8 बजे शशि सिंह उसे नौकरी का झांसा देकर विधायक के घर ले गई थी। तो वहीं शुभम वो नौजवान है जिसके खिलाफ पीड़ित लड़की ने सबसे पहले रेप का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि लड़की को जब बरामद किया गया था वो शुभम के साथ थी। हालांकि इस रेप कांड को लेकर बवाल मचने के बाद अब माँ और बेटे की ये जोड़ी खुद को पाक साफ बता रहे हैं। और उसके बाद मुझे गैंगरेप में फंसा दिया गया, मुझे बताया भी नहीं गया कि मेरे पर कौन सा केस लगाया जा रहा है। बाद में मुझे पता लगा मुझे गैंगरेप में मेरा चालान कर दिया गया। लड़की केस लगवाया, अबे लड़की को आईपी सिंह भगा दिया, भगाने के बाद जो है पूरी अरेस्ट करके लाए। खास बात यह है कि पीड़ित लड़की ने बीजेपी MLA कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप का आरोप बाद में लगाया था। फरवरी 2018 में उसने उन्नाव की एक अदालत में विधायक के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्नाव रेप कांड पर मचे बवाल के बाद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर संगीन चौतरफा आरोपों से घिरे हैं। ऐसे में समर्थकों के साथ साथ विधायक की पत्नी भी बचाव करने के लिए सामने आ गई हैं। हम चाहते हैं आप हमारे पति का नार्को टेस्ट करा लीजिए, उस का नार्को टेस्ट करा लीजिए, हमें उस लड़की का करा लीजिए, हम हमें उस लड़की से पूरी सिंपैथी है। विधायक की पत्नी ने पीड़ित लड़कियों के नार्को टेस्ट की मांग की है और यूपी पुलिस पर इस केस से जुड़े सबूत मिटाने का इल्जाम लगाया है। वहीं विधायक के समर्थक चाहते हैं कि इस मामले में CBI जांच होनी चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके। वहीं पीड़ित लड़की का परिवार दबंग विधायक को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि SIT ने अभी तक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ क्यों नहीं की? आखिर कब गिरफ्तार होगा बीजेपी का दबंग MLA? सच्ची घटना के लिए जावेद मंसूरी की रिपोर्ट। इंसाफ की सारी उम्मीदें अब पुलिस की SIT जांच पर टिकी है।
लखनऊ से दिल्ली तक तूफान खड़ा करने वाले इस केस से जुड़े हर अपडेट पर बनी हुई है हमारी नजर। सच्ची घटना में आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।